हेलो गाइस, मैं केशव गुप्ता cambridge.com से। आज आपको C++ का जो NVR है उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लेबैक कैसे करते हैं, डाटा को कैसे डिलीट किया जाता है कंप्लीट, और हम लोग बैकअप कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप राइट क्लिक करके मेन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज के नाम से ऑप्शन मिलेगा सिस्टम स्टोरेज वाला। यहाँ पे आप डिस्क मैनेजर में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके अगर आप फॉर्मेट करते हैं नीचे से तो आपका डाटा कम्प्लीटली वाइंड आउट हो जाएगा, मतलब सारा कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि आपका अभी स्टेटस क्या है और कितने टाइम की रिकॉर्डिंग अभी इसमें हो सकती है, तो अभी 2 TB की हमने इसमें हार्ड डिस्क लगा रखी है और 455 GB जो है स्पेस अभी रिमेनिंग है। तो इस तरीके से हम लोग डाटा फॉर्मेट कर सकते हैं C++ के NVR के अंदर। अगर आपको रिकॉर्डिंग चेक करनी है तो सर्च में जाके यहाँ पे कैलेंडर पर डेट चूज़ करके और टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से, तो उस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग में चल जाएगी। और अगर आपको बैकअप निकालना है तो आप राइट क्लिक करके मेन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो के अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो ड्राइव होगी मतलब जो भी पेन ड्राइव आपने लगा रखी होगी वो शो कर देगा। और यहाँ से आप कैमरा नंबर चूज कर सकते हैं, अगर आप ऑल करते हैं तो ऑल हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, जिस टाइम की आपको रिकॉर्डिंग निकालनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है फाइल फॉर्मेट, आपको DAV से हटा के उसको चेंज करना होगा AVI मोड पे जब भी आपकी फाइल फाइंड आउट होगी तो। एंड देन जो है आप सर्च पे क्लिक करके इसको जो है बैकअप स्टार्ट कर देंगे तो ये बैकअप हो जाएगा। अभी दिखा रहा है 73 GB का डाटा जो भी हमारे को नीड होगा इसके अंदर। थैंक यू गाइस।